नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ टाइम पहले हम लाइव थे लेकिन आपका कट हो गया, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज हम जो करेंगे पेडागोजी की अंडरस्टैंडिंग का लर्नर यूनिट के अंतर्गत एडोलेसेंस क्या होती है, किशोर अवस्था क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला, मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि पेडागोजी आपका 60 नंबर को स्कोर करता है। इसमें से अंडरस्टैंडिंग तो लर्नर टॉपिक के अंतर्गत हमें वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, परिपक्वता क्या होता है, इसके आयाम क्या होते हैं, सब ये डिस्कस कर चुके। विकास का सिद्धांत क्या होता है, विकास की अवधारणा क्या होती है, विकासात्मक मुद्दे क्या होते हैं, डेवलपमेंटल इशू क्या होते हैं, विकासात्मक प्रकार क्या होते हैं, इसमें मास्टरी कैसे करनी, ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं, क्या बाधाएं आ सकती हैं, इसके अलावा सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है, विकास की प्रमुख अवस्थाएं क्या होती है, इसके अंदर भी जितने सब टॉपिक थे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के अंदर जितने भी टॉपिक थे, सब टॉपिक थे, सारी चीजें मैं यूट्यूब पर भी डिस्कस कर चुका। आज आपको एक डाउट आया था कि किशोर अवस्थाओं को पढ़ा दीजिए। वैसे जब मैंने आपको विकासात्मक अवस्थाएं बताई थी तो मैंने बताया था ना, हेविंग हर्ष ने विकासात्मक अवस्था के बारे में डिस्कस किया कि सहसा अवस्था में क्या विकासात्मक कार्य होनी चाहिए, कितनी चीजें आप डेवलपमेंटल कर सकते हैं, सहसा अवस्था में, बाल्यावस्था में क्या होनी चाहिए, किशोर अवस्था में, तभी मैंने किशोर अवस्था टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। लेकिन आज हम अलग से किशोर अवस्था टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट टॉपिक से आपके लीडर क्या होते हैं, लीडर के गुण क्या होते हैं, लीडर की विभिन्न शैली क्या होती है, जैसे वितरित शैली क्या होती है, निर्देशात्मक शैली क्या होती है, प्रभावशाली शैली क्या होती है, ये सारी चीजें। इसके अलावा नेतृत्व शैली के अलावा लीडर एज ए टीम लीडर, स्कूल का क्या क्या है, धी वा क्या है, घर को संसाधन, समुदाय को विद्यालय तक लाना, विद्यालय को समुदाय लाना, स्कूल में हमें नेतृत्व की जरूरत क्यों पड़ी, फिर नेतृत्वकर्ता एज ए टीम लीडर क्या होना चाहिए, एज ए ब्रिजिंग बिल्डर क्या होना चाहिए, हमारा नेतृत्व परिपेक्ष कैसा होना चाहिए, अभ्यासकर्ता प्रेरणा, किस सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सबको यूट्यूब में भी बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन अभी क्या है कि जैसे मेरी ईवीएस की क्लासेस तो कंप्लीट हो चुकी है ऑफलाइन में, कुछ क्लासेस आपके पेडागोजी के चल रहे हैं तो वहां पे क्लासेस की टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया है, इसलिए मैं क्लासेस ला रही हूँ। जैसे मेरा ऑफलाइन का जनवरी के 31 तक कंप्लीट हो जाएगा, ऑफलाइन कंप्लीटेड हो जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस बचेगी, फिर मैं आपकी क्लासेस यूट्यूब पे डबल कर दूंगी, ठीक है। तो बस तब तक के लिए पढ़ाई करिए। इसके अलावा कुछ पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर रही हूँ, उनको जरूर देख लीजिएगा। ओके, सारे डाउट्स क्लियर हो गए, चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडोलेसेंस किशोर अवस्था। किशोर अवस्था की सामान्य रूप से अगर आई पूछेगा तो 12 से 18 वर्ष होती है, लेकिन अगर आप पूछे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहना होता है 10 से 19 वर्ष के बालकों को किशोर मानते हैं, किशोर या किशोरी WHO मानते हैं। क्लियर हो गया। किशोर अवस्था क्या होती है, एक बच्चे से वयस्क होने तक के जो बीच का काल होता है वही होता है किशोर अवस्था। जैसे बाल्यावस्था में क्या होता है, वो बच्चा होता है, कहते हैं भाई बालक है बालिका, भाई यहाँ पे बच्चे हो, जैसे बच्चे घर में कोई काम करते हैं ना, भाई अभी आप छोटे ये मत करो। अच्छा, अब किशोरावस्था में आते आते उन्हें क्या होता है, आपको बड़े होने की 18 वर्ष जैसे ही क्रॉस करते हो क्या बन जाएंगे, एडल्ट बन जाएंगे, वयस्क। तो कहते हैं बच्चे से वयस्क बनने के जो बीच का टाइम पीरियड है उसी को क्या बोलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था के बारे में स्टेनली हॉल का बहुत ही फेमस कथन है। स्टेनली हॉल ने अपनी बुक एडोलेसेंस उनकी बुक भी है, इसमें उन्होंने लिखा किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। अब ये संघर्ष क्यों होता है, तनाव क्यों होता है, तूफान क्यों होता है, इस किशोरावस्था में क्या होता है, एक तो उनके मन में कैरियर का संकट होता है। अब उन्हें लगता है भैया मैथ स्ट्रीम ले लें कि बायो ले लें, कॉमर्स ले लें कि साइंस ले लें, क्या ले लें, कैसे अपने कैरियर को बनाना है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, बॉडी में बहुत सारे चेंज हो रहे होते हैं, सोसाइटी में भी बहुत सारे चेंज होते हैं। अब सोसाइटी उनसे अपेक्षाएं करने लगती कि भाई अब आप बड़े हो, जिम्मेदारियां लो, ड्यूटी लो, सोसाइटी के प्रति उनके मन विद्रोह की भावना होती, तो मतलब बहुत ज्यादा संघर्ष होता रहता है। किशोरावस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किशोरावस्था में डेवलपमेंटल टास्क क्या होंगे, इसको हमने जब डेवलपमेंटल टास्क पढ़ा था तो वहां पर डिस्कस कर चुके थे। डेवलपमेंटल टास्क की बात किसने की थी, आपके हेमरश ने की थी। तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं, स्पीड थोड़ी ज्यादा रहेगी लेकिन आप सब ध्यान रखिएगा। ओके, 16 वर्ष तक पहली बात
होती है, यहाँ पे शारीरिक परिवर्तन तीव्रता से होता है। इससे पहले शारीरिक परिवर्तन तीव्रता से कब हुआ था और मानसिक विकास तीव्र रूप से किस अवस्था में होता है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। संधि का काल, इसको क्या बोलते हैं, संधि का काल बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं। अब बताइए ब्रिज किसके किसके मध्य में बना रहा है, तो ये ब्रिज बना रहे एक बच्चे से वयस्क बनने की प्रक्रिया है, बच्चे से जब एडल्ट बन रहे हैं तो उसके मध्य में ब्रिज बना रहे किशोर अवस्था। अब बच्चा क्या होता है, बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चा होता है। बाल्यावस्था को कब से कब तक मानते हैं, तो सामान्य रूप से 2 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था मानते हैं। बाल्यावस्था को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था मानते हैं, 6 वर्ष के पश्चात जो 11 या 12 वर्ष की अवस्था को हम उत्तर बाल्यावस्था मानते हैं। क्लियर हो गया। अब इस बाल्यावस्था से वयस्क बनने की जो प्रक्रिया होती है वही आपकी किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। सबसे पहले शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास तीव्रता होता है, बाल्यावस्था में आके शारीरिक विकास मंद पड़ जाता है, उसके अपेक्षा मानसिक विकास तीव्र होता है। अभी उस दिन जो आपका कीवेस का एग्जाम हुआ था उसमें कैसे पूछा गया था कि लगभग 6 वर्ष के बालक के कितने मस्तिष्क का विकास हो जाता है, 85% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। जो निष्ठा प्रशिक्षण में ट्रेनिंग कराई गई थी ना, जो मैंने आपको बताया था कि निष्ठा प्रशिक्षण होते हैं, दीक्षा ऐप में होते हैं, विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल में, उसकी पहली लाइन ही यही थी, वही उठाकर सेम टू सेम रख दिया गया था। मैंने आपको निष्ठा के, दीक्षा ऐप के कुछ चीजें टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई, उन पीडीएफ को एक बार आप रीड करके जाइएगा। ओके, संधि का काल हो गया। इसमें सामवेगिक असिस्थता होती है, अब बच्चे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसे खुद नहीं समझ में आ रहा, उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं। जैसे आप सबने आपके घर में छोटा बच्चा होगा देखा होगा ना, जो किशोर हो, कभी कभी तो किसी से गुस्सा हो जाएगा, तो ऐसा गुस्सा हो जाएगा कि मतलब उससे झगड़ा, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, बस तुमसे बात नहीं करूंगा। अगले ही पल में जैसे उसका गुस्सा शांत होगा फिर उसका फ्रेंड बन जाएगा। क्या होता है, उनके मन में सामवेगिक अस्थिरता होती है। अब किसी को रोल मॉडल ना लिया, अब हो सकता है किसी टीवी एक्टर को देख लिया, किसी फिल्म स्टार को देख लिया, बोले नहीं मुझे तो इसके जैसा ही बनना है, मुझे तो यही करना है, उन्हें खुद डिसाइड नहीं होता। कई बार जैसे किसी मूवी में किसी फिल्म एक्टर को देख लिया, अब मान लीजिए जैसे एक टाइम पे सिंगर मूवी को देख लिया, अब उन्हें लगा नहीं मुझे तो पुलिस वाला बनना है, ऐसा ही बनना है। जैसे बहुत टाइम पहले एक शक्तिमान शो आता था, उस टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे ना छत से ऐसे ऐसे घूम के गिर भी गए। तब शक्तिमान शो में क्या लगाया गया कि इस तरीके से कार्रवाई ना करें। ये क्या होता है, किशोरावस्था में बच्चे जिस चीज से प्रभावित हो जाते हैं उसके जैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट होता है विद्रोह की भावना। अब इसके मन में क्या होता है, विद्रोह की भावना होती है, क्योंकि सोसाइटी क्या कर रही थी, अपने अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, अपने अकॉर्डिंग समायोजित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उन्हें लगता है कि भाई हमारा भी स्वतंत्र अस्तित्व है। अब वो अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं, सोसाइटी अपने अकॉर्डिंग उन्हें चेंज करने की कोशिश। इस टाइम पे अगर उनके पेरेंट्स सही चीज के लिए भी टूटते हैं ना, तो उन्हें लगता है नहीं ये तो गलत कर रहे हैं, ये तो मेरे दुश्मन है, तो उनके अंदर विद्रोह की भावना, बहुत सारी चीजों के प्रति विद्रोह की भावना आती है। जैसे गर्ल्स के अंदर विद्रोह की भावना आती है कि भाई मैं, जैसे टाइम पीरियड हो जाते हैं ना कि भाई लड़कियां 9 के बाहर घर के बाहर नहीं जाएंगी, लड़के जा सकते हैं, तो गर्ल्स विद्रोह करती है भाई मैं क्यों नहीं जा सकता। ये बहुत सारी चीजें लड़कों के साथ भी होती है, उन्हें किसी चीज के लिए मना किया जाता है तो बोलते हैं नहीं मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरा फ्रेंड तो कर रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजों में विद्रोह की भावना आ जाती है। क्लियर। इसके अलावा क्या होता है, दीवा सोने, किशोरावस्था में बच्चे क्या करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, कभी कहेंगे तो मैं तो इतना करोड़पति बन जाऊं, मुकेश अंबानी को फेल कर दूंगा, कभी कहते नहीं मैं तो वो बनूंगा, ये बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, एस्ट्रोनॉट बनूंगा, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे बिल्कुल फेल। ये भी होता है ना, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, कह रहे मैं तो ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, सिर्फ डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जैविक परिवर्तन, बहुत सारे उनके कहते हैं बायोलॉजिकल चेंज होते हैं। जैसे गर्ल्स का क्या हो गया, मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया, उनका शारीरिक परिवर्तन चेंज हो रहा है। बॉयज का क्या हो रहा है, उनकी दाढ़ी मूछें आ रही और विभिन्न प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं। तो इस अवस्था को इसीलिए स्टेनले हॉल ने संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कहा था। इसके बारे में हम डिटेल से आपके उस टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं। ओके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आपकी ईवीएस की क्लासेस चल रही उन सबको देखिए, और पीडीएफ जो मैं आपको टेलीग्राम पे दे रही हूँ उन्हें जरूर देखिएगा। ओके, और प्रैक्टिस शीट भी मैं वही प्रोवाइड कर रही हूँ, उन सबको लगा लीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी 20 दिन बढ़िया से मेहनत कर लीजिए, सपने पूरे होने चाहिए, नींद पूरी हो ना हो चलेगा, बस सपने पूरे होने चाहिए, अच्छे से मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।